हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो मैं हुआ नीता, और आज मैं बहुत 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 ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट टेस्ट वाली मिठाई बनाने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट मानो तो बेस्ट है। आप इस मिठाई को एक बार खा लोगे तो यकीनन आप सारी मिठाइयाँ खानी भूल ही जाओगे। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही कम सामान से मिलकर बनती है। ना तो हमें इस मिठाई को बनाने में मावे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसका टेस्ट लाने के लिए किसी महंगी चीज़ की या दुकान पे भागने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल से बन जाती है, बहुत ही कम टाइम में बन भी जाती है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन कर लेनी है, गैस का फ्लेम कर लेना है मीडियम टू लो। फिर हम उस पर कढ़ाई रखेंगे और यहाँ पर हम मेजरमेंट एक ही बर्तन से करेंगे। तो एक कप मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है और एक कप चीनी के सामने आधा कप हम पानी डालेंगे। हमें चीनी की चाशनी बनानी है अच्छे से। दो तीन मिनट के बाद आप देखोगे कि चीनी जो है हमारी गलने लगी है। इसमें चाशनी बनने में ओनली 5 से 7 मिनट यहाँ पर लगेंगे। और देखिए 5 मिनट के करीब यहाँ पर हो चुके हैं और चाशनी लगभग में बन ही गई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं चाशनी को। तो आप देख पा रहे होंगे चाशनी में बहुत अच्छे से तार बन गए हैं। हमें यहाँ पर 2 तार वाली लगभग में चाशनी बनानी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को तो बंद कर देते हैं, यानी कि एकदम लो कर देते हैं, या आप इसको बंद कर दीजिए। और घी में भुना हुआ यहाँ पर हम कोकोनट डाल रहे हैं, जो कोकोनट का बारूदा होता है। तो मैंने बारूदे को पहले से ही घी में भून लिया है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक और रेसिपी बनाई थी तो उसके लिए मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने सारा बारूदा इकट्ठा ही भून लिया था। थोड़ी सी देर बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये मिक्सर है इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। तो आगे हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो इससे पहले हम थाली को घी से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि चाशनी हमारी अच्छे से बन चुकी थी, बर्फ़ी बनने में हमें टाइम नहीं लगेगा अब। तो फिर से आ जाते हैं और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें। बट मिल्क पाउडर से इस बर्फ़ी में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी घुटाई करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे मावे की बर्फियाँ बनाते हैं उसकी हम घुटाई करते हैं, जब तक कि इसमें जो मिल्क पाउडर हमने डाला है अच्छी तरह से अब्सॉर्ब ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो बैटर अब हमारा एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से थाली में डाल देते हैं। और टोटल मैंने जो बर्फ़ी बनाई है एकदम लो फ्लेम पर, या लो फ्लेम को बंद करके। तो अब इसको थोड़ा सा हम टैप कर देते हैं, फैला देते हैं थाली में, तो बैटर तो जमने के लिए एकदम टन टनाटन यानी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब बर्फ़ी जमने में हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है आपका 2 से 4 घंटे लग जाए, या फिर आपके आधा घंटे में बर्फियाँ जम जाए। तो ये टोटल डिपेंड करता है नेचर टेम्परेचर पर। तो बर्फियाँ यहाँ पर जम गई हैं, ओनली 2 से 2.5 घंटे में ये बर्फियाँ जमकर एकदम तैयार हो गई है। पीसीज काट लेते हैं बर्फ़ी के। तो बर्फ़ी के पीस आप मन चाहे आकार में काट सकते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर या जैसे आपको पीस पसंद हो। तो देखिए बर्फ़ी के पीस मैंने काट लिया और बर्फ़ी अपने आप ही थाली से बाहर आ रही है जैसे मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। तो बस अब हमको कुछ भी नहीं करना है, जो छोटे छोटे पीस निकल के आ गए हैं बाहर इनको तो साइड में रख देते हैं, खा लीजिए आप ऐसे ही। फिर आप थाली को थोड़ा सा इसी तरह से पलटिए काउंटर पर और हल्का सा ऊपर से टैप कीजिए, बहुत इजीली से निकल जाती है, बिल्कुल भी निकलने में परेशानी नहीं होगी इन बर्फियों को। तो हल्का सा हमने टैप किया और ये देखिए मैंने थाली को उठाया तो बर्फ बहुत ही आसानी से निकल गई है। दो बर्फियाँ ये चिपक रही है तो हम इसको चाकू की हेल्प से जो है निकाल लेंगे। और ये देखिए बर्फियों को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीस बनाए हैं बर्फ़ी के। तो बर्फियाँ हमारी बनकर एकदम तैयार हो गई है, ये देखिए। तो आप यकीन मानिए जितनी ये खा देखने में टेस्टी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, प्यारी लग रही है, वास्तव में खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। आप इन बर्फियों को एक बार बनाइए, महीने 2 महीने के लिए बहुत बहुत आराम से स्टोर करके रख सकते हो। आपका जब भी मन चाहे आप इनको खाइए, बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, या फिर ट्रैवल पर लेके जाइए, फेस्टिवल में बनाइए, या फिर किसी आप
जो त्यौहार आते हैं या फिर हमारे जैसे फास्ट आते हैं उनमें बनाइए, हर तरह से काम करेगी। बहुत ही टेस्टी यम्मी सी बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैंने अपना काम कर दिया है फ्रेंड, अब बारी आती है आपकी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप रेसिपी के नीचे, वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।